नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि रैपिड रेल का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैपिड रेल का लोकार्पण। नवरात्र में जनता को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन को लेकर एनसीआरटीसी ने शुरू की है तैयारी। प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया है। 12 अक्टूबर को सीएम योगी कर सकते हैं निरीक्षण। गाजियाबाद के वसुंधरा में होगी पीएम की जनसभा। रैपिड रेल की अब तैयारी हो चुकी है। बता दें कि नवरात्र के दिनों में इसका उद्घाटन हो सकता है। प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 अक्टूबर को सीएम योगी निरीक्षण करेंगे और गाजियाबाद के वसुंधरा में ये पीएम की जनसभा होने वाली है। पीएम के कार्यक्रम का जायजा सीएम द्वारा लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैपिड रेल का लोकार्पण और रैपिड रेल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। नदीम शाहीन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, लोकार्पण होने वाला है रैपिड रेल का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, गाजियाबाद में एक बड़ी सौगात है गाजियाबाद वासी और उसके साथ साथ दिल्ली से लेकर ये जो रैपिड ट्रेन है जगह काफी स्टेशन भी है। टीका निरीक्षण करने के लिए कल गाजियाबाद प्रशासन पहुंचा था। हालांकि गाजियाबाद में लेकर हलचल मौसम में इस तरीके से देखा जा सकता है। नवरात्रों के बाद एक बड़ी सौगात की बात गाजियाबाद में देखी जा रही है। जिस तरीके से आज जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले 12 तारीख में कह सकते हैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे जो कि निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बताते हैं जो रैपिड ट्रेन है इसको लेकर काफी इंतजार किया गया है। हालांकि इसका दुहाई में एक बड़ा पॉइंट बनाया हुआ है जो कि मुरादनगर के आसपास पड़ता है। उसके साथ साथ साहिबाबाद में इसका रेलवे स्टेशन जो बड़ा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है उसको भी देखने के लिए वहाँ बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद का जिला प्रशासन है वो उस पर लगा हुआ है, पूरा मूवमेंट उस पर कसा हुआ है। जी, रैपिड रेल का लोकार्पण हो जाने से और इसकी तैयारियां जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद से जो वहां की जनता है उनको जो है ट्रेवल का टाइम कम लगेगा। नदीम जी, बिल्कुल बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। जिस तरीके से बाहर में जापान में चीन में जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जो रैपिड ट्रेनें हैं उनकी तेजी तेजी रफ्तार इसकी होगी और एक कह सकते हैं समय जो है मेरठ रोड का जो की मेरठ रोड मेरठ पार्क है उसको बहुत ज्यादा भीड़ होती है वो कब से निजात पाएगा समय से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। जो व्यक्ति इस पर जाएगा जो लोग इसमें सवारी करेंगे उनको काफी राहत मिलने वाली है। ये भारत की पहली रैपिड रेल होने जा रही है नदीम, इसके लिए उत्साह काफी ज्यादा जनता के अंदर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये गाजियाबाद के लिए एक बड़ी सौगात और साथ में पूरा देश इसके लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से ये ट्रेन देश में हमारे में आएगी और उसके साथ साथ इसका जो लोग हैं इसका लुत्फ उठा सकेंगे, इसमें जा सकेंगे, इसकी सवारी कर सकेंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि किस तरीके से सुर्खियों में इसकी बातें आती है तो लोग कहीं ना कहीं अपनी नजर उस पर बना लेते हैं, लेकिन देखने वाला सवाल यही है कि अगर नवरात्रों में दिवाली से पहले इसकी सौगात देख ली जाती है तो गाजियाबाद में बड़ा आयाम कह सकते हैं, गाजियाबाद के लोगों को बड़े एक सुविधा का कार्य देखने को मिल सकता है। तो तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, क्या स्पीड की टेस्टिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है या बाकी है? नदीम देखिए, स्पीड की बात की जाए तो उसका कई बार ट्रेवल किया जा चुका है, इसकी स्पीड चेक की जा चुकी है क्योंकि कई बार लोगों ने इसकी आवागमन का देखा है, लोग इसकी ट्रेन को देखा है। लेकिन तैयारी की बात की जाए तो तैयारी कराने के लिए गाजियाबाद प्रशासन लगा हुआ है। तैयारी थोड़ी बहुत जो है वो रह रही है क्योंकि प्रशासन के नजरे में रहती है। सुरक्षा को लेकर काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर तैयारी की जा सकती है, लेकिन ट्रेन की तैयारी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि 100% हो चुकी है। बाकी तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, आज कह सकते हैं आज जो गाजियाबाद के सांसद हैं जनरल वीके सिंह वो वहां पहुंचे हैं और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं 12 तारीख को पहुंच सकते हैं। उसके बाद 17 या 18 तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके लिए वसुंधरा में एक जगह इंतजाम किया है जहाँ पर इस प्रोग्राम को किया जाएगा। उद्घाटन की तैयारी किस तरीके से चल रही है? देखिए, उद्घाटन की तैयारी को लेकर गाजियाबाद का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कमिश्नर रेट है, वो सब इस पर लगा हुआ है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है किस तरीके से इसकी तैयारी करानी है। आने वाला समय जो होगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जिस तरीके से इसकी तैयारी चल रही थी उस तैयारी से पहले ये दिवाली से पहले कहीं ना कहीं बड़ी सौगात गाजियाबाद में दी जाएगी।
ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो रैपिड रेल का लोकार्पण होगा, पीएम मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ बता दें कि गाजियाबाद के सांसद पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और किस तरीके से तैयारियां की गई है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो रैपिड रेल तैयार हो चुका है, बता दें कि पहला रैपिड रेल ये होने जा रहा है जो कि दिल्ली से मेरठ तक की दूरी तय करेगा और काफ़ी कम वक्त में ये दूरी तय करने वाला है रैपिड रेल, और इसलिए जनता के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा और नवरात्रों के दिनों में बड़ी सौगात यहाँ पे जनता को मिल सकती है। सुल्तानपुर के बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले करीब 16 दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इसी पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर 82 की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बहरहाल सोशल मीडिया के जरिए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बयान जारी कर अजय नारायण और ड्राइवर दीपक सिंह की गिरफ्तारी की सूचना दी है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में गन्ने के खेत में छात्रा का शव मिला। बता दें कि नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत कर दरिंदों ने छात्रा की आंखें भी फोड़ दी, तो वहीं छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीते दिन छात्रा मदरसे में पढ़ने गई थी, जिसके बाद में मदरसे से घर वापस आते समय रास्ते में लापता हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरदोई में पिता पुत्री का रिश्ता शमशार हो गया। बता दें कि हवस में अंधे पिता ने बेटी का रेप किया, सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। वहीं रेप की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बहटा गोकुल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और माफिया अतीक अहमद के दो बेटों को सोमवार को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बाल कल्याण समिति ने एजम और आबान को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इन दोनों को उनकी बुआ शाहीन परवीन के सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों की रिहाई की प्रक्रिया में काफी समय लगा, ये प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लेते हुए जानकारी दी कि एहजम और अबान इसी साल 4 अक्टूबर को 18 साल के हो चुके हैं और ऐसे में नियमानुसार दोनों को बाल संप्रेक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता, इसलिए सोमवार को दोनों को रिहा कर दिया गया। और रांची में विकास का खजाना लगातार खोला जा रहा है। विधायक राजेश कच्छप ने नामकुम प्रखंड के रोड का शिलान्यास किया, वहीं लोगों में उत्साह दिखा। बता दें कि खिचड़ी विधानसभा के बहुत चर्चित विधायक राजेश कच्छप के शुभ हाथों से नामकुम प्रखंड में रोड का शिलान्यास किया गया, जिसमें उनके साथ प्रखंड प्रमुख आशा कच्छप समेत कई अन्य लोगों की उपस्थिति भी सम्पन्न हुई। और आगरा के मलपुरा थाना इंचार्ज अजय सिंह ने आईपीएल स्टोरियों पर कार्रवाई की है,
बता दें कि मालपुरा थाना क्षेत्र में एक घर में पुलिस ने छापा मारा, जहां से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर जिले में विजयपुर गाजीपुर सड़क के लिए सत्याग्रह में समर्थन के लिए अब गांव के लोग पूरे जोश के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। नारायणी चौराहे पर चल रहे सड़क और सत्याग्रह में बैठे युवाओं का समर्थन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और किसान गाजे बाजे के साथ अनशन स्थल पर पहुंच रहे हैं। सत्याग्रह के समर्थन में आए प्राणेश अग्निहोत्री ने सत्याग्रहियों को भरोसा दिलाया कि उनका उत्साह कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जब भी ग्रामीणों को सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सत्याग्रहियों के समर्थन में सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ जाएंगे। और चित्तौड़गढ़ में चुनाव की तिथि का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। बता दें कि आचार संहिता लागू होने के 4 घंटे बाद भी प्रशासन सुस्त है। वहीं कई स्थानों पर अभी भी सरकार के विभिन्न लुभावनी योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए हैं। जेबीगंज पुलिस पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया और आरोपों पर कार्रवाई ना करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की कि उनकी 7 बस संचालित है और बस की देखरेख ठाकुर प्रसाद करते हैं। पिछले 7 अक्टूबर को निजामुद्दीन नाम के पुलिस वाले ने और साथ में एक व्यक्ति ने ठाकुर प्रसाद को रोक कर मारा पीटा और बस का संचालन रोकने की धमकी दी है। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटा पिता का हत्यारा बन गया। बता दें कि बेटे ने लाठी से अपने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी, तो वहीं मरने के बाद भी अपने पिता के शव को लाठी से पीटता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बेटा शराब के लिए लगातार पैसों की मांग करता था, लेकिन पिता के पैसे ना देने पर ये काम जो है बेटी की तरफ से किया गया। बीकानेर में नगर निगम आयुक्त की ओर से कांग्रेसी समर्थक पार्षद के साथ बदतमीजी करने के विरोध में कांग्रेस निर्दलीय व मनोनीत पार्षदों की ओर से आयुक्त केसरलाल मीना के कक्ष में धरना देकर विरोध जताया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारी पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त कमीशन बिना काम नहीं करते, तो वहीं पार्षद रमजान कछवा ने अपने वार्ड में विकास कार्य का टेंडर लगवाने को लेकर मिलने गए तो उनसे तू तड़ाके से बात की और कक्ष से निकलकर जाने के लिए कहा और उन्होंने विरोध स्वरूप आयुक्त के कक्ष में धरना देकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवा हो चुके राज्य में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसे पूरा करने के लिए धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद में लगे हुए हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर समिट से लेकर युवा महोत्सव और नकल विरोधी कानून से लेकर स्वरोजगार युवाओं के सुनहरे सपने को साकार करने के साधन की तरह देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के सुनहरे सपने साकार करने की कवायद में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेशकों को आकर्षित करने तक बीजेपी लगातार युवाओं की हितैषी होने का दम भरती दिखाई दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के नकल विरोधी कानून के सहारे भी सरकार इस बात का भरोसा युवाओं को दिला चुकी है कि उत्तराखंड में युवाओं के सपने धामी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है,
उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ, बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। कोशिश है हमारे विभाग की कि उत्तराखंड के युवा को आगे रोजगार उपलब्ध हो, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, किसी पर ना हो, इंडिपेंडेंट के रूप में खुद काम करें। और सरकार की योजनाओं के अभाव से भी बहुत बार युवा जो है वो जॉब से वंचित रह जाता है, तो हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड के युवा को एक जगह बुलाया जाए, उनको सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सबके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएँ, उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो जापान जा रहे, जो हमारा पहला ITI विभाग के द्वारा, जो हमने सेवायोजन विभाग के द्वारा एक आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सेल शुरू किया था, उसमें 35 बच्चे हमारे जापान जा रहे हैं, लगभग 1 से 1.25 लाख की उनकी तनख्वाह होगी, तो उनको आज हमने एम्प्लॉयमेंट, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया है, लगभग 800 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उनके रोजगार के प्रशिक्षण पत्र बांटे गए हैं। एक तरफ तो सरकार युवा महोत्सव में 3 बड़े MOU साइन कर युवाओं की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के कदम सुनिश्चित कर रही है, तो वहीं स्वरोजगार का पाठ पढ़ा युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के गुर भी सिखा रही है। लेकिन धामी सरकार के दावे विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पल्ले पड़ते दिखाई नहीं देते, तभी तो कांग्रेस इसे BJP की ब्लफबाजी बता युवाओं को ठगने का जरिया बता रही है और सरकार पर भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर युवाओं पर लाठियां भाजने का आरोप लगा रही है। युवा उत्सव आज सरकार मना रही है, अच्छी बात है, युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आप देखें कि युवा परेशान है, पेपर लीक प्रकरण के बाद लगातार नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगा रहा है, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं गांधीवादी तरीके से, तो सरकार बात करने की जगह उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। अभी भी युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ आप युवा महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप युवाओं पर बर्बरता कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है वो भली भांति समझ रहा है। अगर आप युवा महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं की भागीदारी अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं की जो पीड़ा है, जो युवाओं का दर्द है, उनके रोजगार के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना होगा। अब देखना ये है कि युवा हो चुके उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती में धामी सरकार कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत चुनावी वाले अन्य राज्यों में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब प्रचार प्रसार का सिलसिला भी बंद हो गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में अंतर्कलह भी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भाजपा की 50 प्रत्याशियों की सूची के बाद उपजे छिटपुट विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे भाजपा के भीतर मची अंदरूनी कलह का परिणाम बता रही है। वहीं कांग्रेस की सूची अभी तक जारी नहीं होने को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रत्याशियों की सूची इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। उन्होंने इसे साजिश बताया ताकि विरोध होने पर ये कह दिया जाए कि विरोध की वजह से कुछ नाम बदल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूची जो निकली है उससे काफी सिर फुटबल हो रहा है, ये भाजपा की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है, वरना भाजपा की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सूची जो निकली है उसे काफी सर फुटबल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है, वरना भारतीय जनता पार्टी के सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। लेकिन यदि सूची लीक हो गई उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इतना से बदला जा रहा है,
मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ कांड। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है सामने आया। भाजपा नेता और सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफिंग कर मुख्यमंत्री के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस की सूची को बीरबल की खिचड़ी बताते हुए कहा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम कांग्रेस मुख्यमंत्री बघेल के नाम की ही घोषणा कर देती। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री की टिकट भी फाइनल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस 71 विधायकों की मंत्रियों के होते हुए अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, जबकि भाजपा ने जीत का लक्ष्य सामने रखकर 21 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस की सूची 6 सितंबर तक आएगी, फिर दूसरी तारीख 8 सितंबर दी गई, लेकिन सितंबर से अक्टूबर शुरू हो गया। कांग्रेस की सूची कब आएगी किसी को पता नहीं है। कांग्रेस सरकार में रहते हुए हम पर सवाल कर रही है कि हमारी टिकट कब डिक्लेयर होगी, 21 हो गई है, अगली सूची कब आएगी, ये हुआ वायरल हुआ, तमाम प्रकार की बातें कहीं दिक्कत। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है पत्रकारों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, कि आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आप कहां पर खड़े हैं? आपके पास तो सिटिंग एमएलए है, मंत्री है, लोकप्रिय है, आपकी लोकप्रिय सरकार है, तब आपको 71 विधायकों में से कुछ विधायकों की टिकट डिक्लेयर करने में ही इतना समय क्यों लग रहा है? तब आपको ध्यान दिलाऊंगा जब 17 अगस्त को हमारी पहली सूची समीक्षा के आधार पर, कार्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर, कुछ हमारी कमजोर सीटें हैं उस पर हमने मेहनत किया, उस पर हमने आकलन किया हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, और उसके आधार पर यह विचार हुआ कि हम 21 सीटों पर जो हम कमजोर हैं उन 21 सीटों को हम डिक्लेयर करेंगे, हमारे उन प्रत्याशियों को जो चयन होगा हम उनको मौका देंगे कि वो उस पर मेहनत करें और हम उस सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। भाजपा और कांग्रेस में टिकट प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के लिए अब एक दूसरे की सूची जारी होने का इंतजार हो रहा। दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर अंदरूनी कलह होने का जिक्र करते हुए आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि इसका फायदा किस पार्टी को चुनाव में होता है। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं जौनपुर, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोगों को स्वच्छ पेयजल देने के लिए, घर घर स्वच्छ पेयजल के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई थी, जल जीवन मिशन। इस योजना को धरातल पर योगी सरकार तेजी से लागू करवा रही है और प्रदेश के लोगों के हर एक घर तक इस योजना का लाभ पहुंचा रही है। जौनपुर जिले की बात करें तो जिले में 21 ब्लॉक हैं और 3374 गांव, जिसमें 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम तेजी से हो रहा है। वहीं घर पर स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और वो योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। गाँव के प्रत्येक गरीब किसान जो हैंडपम्प नहीं लगवा पा रहे हैं और तमाम तरह की जिनको जल पानी से दिक्कत होती थी, उनको गांव-गांव में पानी की टंकी लगाकर सरकार उनको उसका कनेक्शन देकर सरकार वहां पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल का एक अभियान छेड़ा हुआ है और उससे स्वच्छ जल की आपूर्ति हर घर तक पहुँचे, गाँव में पहुँचे। मुझे लगता है इससे बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा जिससे इलाज का खर्चा लोगों का बचेगा। स्वच्छ पेयजल से ही सुंदर स्वास्थ्य का निर्माण होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसके लिए हमारी सरकार ने इस पे कार्य किया और आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जी जान से काम कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। घर घर पेयजल के नल लग रहे हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे जनता गदगद है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।